हमारी डिस्कशन होगी चैप्टर नंबर 22 ऑफ सेकेंड ईयर बायोलॉजी, दैट इज इनहेरिटेंस। अच्छा, इसमें हमारे पिछले वी हैव कवर्ड आई थिंक 3 लेक्चर्स, और अब जो है हमारा ये चौथा लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम क्या डिस्कस किया हमने, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। अभी हम कौन सा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम डिस्कस करेंगे, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ठीक है, मैंने कहा था आपको पिछले लेक्चर में, बताया था कि ये जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम है वो मल्टीपल एलील्स की जो है वो एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि किस तरह से मल्टीपल एलील्स होती हैं, मगर जो जायगोट है उसके अंदर जो इंडिविजुअल है उसके अंदर सिर्फ डाइप्लॉयड इंडिविजुअल होता है। तो अगर 10 एलील्स भी हो चाहे किसी जीन की, लेकिन एट अ टाइम एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 जीन उस कैरेक्टर की आएंगी। जैसे ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर है, जैसे आंखों का कलर एक कैरेक्टर है, जैसे हाइट वगैरह, तो उनके लिए जो है यही होता है कि जितनी भी जीन्स हो इन्फ्लुएंस जो है वो इंडिविजुअल में डाइप्लॉयड, यानी कि 2 ही जीन्स आती हैं। फिर हमने देखा कि देर आर अबाउट 36 ब्लड ग्रुप्स, जिसमें से जो हाईली इंपॉर्टेंट वंस हैं वो हैं ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम और RH ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। इसके अलावा बहुत से होते हैं जैसे NM ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम एंड सो एंड सो फोर्थ। लेकिन जिन ब्लड ग्रुप सिस्टम्स के ऊपर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस हो जाते हैं, एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस या एग्लूटिनेशन रिएक्शंस, ठीक है, एग्लूटिनेशन रिएक्शंस यानी कि क्लंप हो जाने के, जुड़ जाने के जो रिएक्शंस होते हैं, वो जो है सिर्फ और सिर्फ ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की बेसिस पे, इनकी जो है डिफरेंट होने की बेसिस पे, या इनमें कोई जो आप गलत क्रॉस मैच कर दें तो ये एग्लूटिनेशन रिएक्शंस जाहिर होते हैं। बाकी जो 36 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं उनमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती, इसलिए जो बाकी के सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स हैं उन्हें हम कहते हैं रेयर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स, RARE, रेयर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, अच्छा, तो टुडे वी विल डिस्कस RH ब्लड ग्रुप सिस्टम और उससे रिलेटेड फिर एक बीमारी जिसे कहते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस। तो जब ये मैं एक्सप्लेन करूँगी तो बताऊँगी कि नाम का इसके मतलब क्या है। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। RH ब्लड ग्रुप सिस्टम इज डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ RH फैक्टर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ आर रेड ब्लड सेल्स या RBCs। ठीक है, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम क्या है बेसिकली, अगर RH फैक्टर, ठीक है, एक RH फैक्टर अगर प्रेजेंट होगा रेड ब्लड सेल्स के ऊपर तो हम कहेंगे दिस पर्सन इज RH पॉजिटिव। ठीक है, RH फैक्टर एक फैक्टर है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे RH फैक्टर। अगर ये 2 ही किस्में इसमें हो सकती हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो RH पॉजिटिव, अगर नहीं प्रेजेंट तो RH नेगेटिव। ठीक, द ABO ब्लड ग्रुप ब्लड टाइप रिप्रेजेंटेड बाय प्लस और नेगेटिव साइन। ठीक है, कहते हैं कि RH फैक्टर एक और ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है, जैसे मैंने बताया AB होता है, MN सिस्टम होता है, और इसी तरह से इसको हम प्लस और माइनस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। द पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ RH फैक्टर व्हाइल द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स द एब्सेंस ऑफ RH फैक्टर। पॉजिटिव साइन क्या बता रहा है कि RH फैक्टर प्रेजेंट है, नेगेटिव साइन बता रहा है कि RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, इट इज एब्सेंट। ठीक, लैंड स्टेनर डिस्कवर्ड RH एंटीजन फ्रॉम द ब्लड ऑफ रीजस मंकी इन 1930। अच्छा, 1930 में रीजस मंकी, एक मंकी था रीजस मंकी, जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स करके, क्योंकि इंसान को तो हम मार नहीं सकते, इंसान को जो है हम एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ या चीज़ें नहीं दे सकते, लैब का इंस्ट्रूमेंट हम मंकी को बना सकते हैं, इंसान को नहीं बना सकते, रैट्स को बना देते हैं, फ्रॉग्स को बना देते हैं, बिकॉज इंसानी जान तो ही बचाने के लिए हम ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ये वाला एक्सपेरिमेंट किसने किया था, लैंडस्टेनर ने 1930 में। एंड हमने पढ़ा कि लैंडस्टेनर वाज द सेम साइंटिस्ट जिसने ABO ब्लड ग्रुप डिस्कवर किया था, बट दैट वॉज बैक इन 1900, और फिर 1910 में उसको इसी काम के लिए क्या मिला था, नोबेल पीस प्राइज मिला था। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे ये 1930 में इसने पॉजिटिव और नेगेटिव एंड जो है RH फैक्टर की प्रेजेंस की बेसिस पे उसने RH ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर किया, और एक्सपेरिमेंट्स किस पे किए थे, रीजस मंकी पे, इसीलिए इस फैक्टर को हम क्या कह देते हैं, RH फैक्टर। ठीक है, अच्छा, फिर अब अगर हम डिस्कस करें एंटीजेंस ऑफ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम और इसकी जेनेटिक बेसिस, ये तो एक फिनोटाइप है ना, कि अगर
प्रेजेंट है तो वो पॉजिटिव है, नहीं प्रेजेंट तो वो नेगेटिव। ये तो फिनोटाइप है जो हमें दिख रहा है, लेकिन इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है, इसको कौन सी जीन्स कोड करती हैं? तो RH ब्लड ग्रुप सिस्टम को 3 जीन्स कोड करती हैं। देर आर 3 जीन्स विच कोड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। फर्स्ट इज सी, द अदर इज डी, एंड द थर्ड वन इज ई। इन तीनों में से डी जो जीन है वो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है। डी जीन सबसे ज़्यादा RH फैक्टर को कोड करती है। तो हम अगर डी को देखें तो ये किस तरह से प्रेजेंट हो सकती है? डी जीन जो इसकी डोमिनेंट फॉर्म है दैट इज़ कैपिटल डी, तो जो रिसेसिव फॉर्म है दैट इज़ स्मॉल डी। अगर जो है RH फैक्टर प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? कैपिटल डी वाली फॉर्म में होगा। तो अगर डोमिनेंट होता है तो क्या होता है कि अगर होमोजाइगस हो तो डोमिनेंट, और अगर हेट्रोजाइगस हो यानी कैपिटल डी स्मॉल डी हो तो भी डोमिनेंट वाली फॉर्म क्या होगी? कैपिटल डी रिप्रेजेंट्स RH पॉजिटिविटी, ये भी RH पॉजिटिव होगा, जिसमें ये टाइप होगी जीनोटाइप की, जिसमें ये जीनोटाइप होगा वो भी पॉजिटिव होगा। व्हेन देयर इज स्मॉल डी एंड स्मॉल डी दैट इज RH नेगेटिव। व्हाई? क्योंकि ये रिसेसिव टाइप है, ठीक है, और ये RH फैक्टर की नेगेटिविटी को कोड करती है। अच्छा, द जीन्स अकर इन टू लोकाई दैट इज लोकस डी सी और ई लोकस। लोकस वो जगह जहाँ पे कोई जीन प्रेजेंट होती है, जैसे ये एक क्रोमोसोम है, इस पे इस जगह पे जीन सी प्रेजेंट है, इस पे इस जगह पे जीन डी प्रेजेंट है। तो जिस जगह पे ये जीन प्रेजेंट है, जो टुकड़ा ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जो पीस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड जीन, ठीक है। तो दैट पीस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दैट जीन जो जगह है उसकी, जो सा क्रोमोसोम नंबर है उसके ऊपर है, नीचे है, किस जगह पे है, दैट इज कॉल्ड लोकस, ठीक है। लोकस, लोकाई इज दी सिंगुलर एंड लोकस इज दी प्लूरल, ठीक है। अच्छा, सॉरी, लोकाई इज दी प्लूरल, दो तीन लोकस होंगे तो दैट इज प्लूरल, और लोकस इज सिंगुलर, एक जो होगा वो लोकस, ठीक है। जीन डी इज लोकेटेड ऑन डी लोकस व्हाइल द जीन सी इज लोकेटेड ऑन अनदर लोकस, सी और ई इज लोकेटेड ऑन अनदर लोकस। However, D locus has prime importance. इसमें जो highly important, सबसे important होता है वो D locus है. The gene D has two alleles, capital D and small D. हमने देख लिया कि जो gene D है, जो कि prime importance वाली है, इसके दो alleles हैं, capital D और small D, ठीक। फिर उसके बाद वो कहता है D is completely dominant over D. Capital D is completely dominant over D. मैंने इसी उसको अल्फाबेट से लिख दिया, यानी कि इसमें कोई पार्शियल डोमिनेंस या कोई को डोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का फिनोमेना नहीं होता। इसमें जो मेंडल के लॉ है वो टोटली जो है फॉलो होते हैं, और D is capital D जो कि RH फैक्टर को कोट करती है वो कम्प्लीटली डोमिनेंट है, और स्मॉल D वाली जो है दैट इज रिसेसिव, ठीक। Therefore, the person with capital D, DD, ये वाला genotype और capital D, small d, और is what? RH positive, जिसमें ये दोनों होगा, क्योंकि ये dominant है, और dominant जो है वो RH positive को code कर रही है। तो जिसमें ये होगा वो homozygous capital D या फिर heterozygous। तो ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों जिन लोगों में ये वाला जिनका genotype होगा क्या, वो क्या होंगे? RH positive। तो if you are RH positive, तो हो सकता है कि आपका genotype हो capital D, small d, या फिर आपका जीनोटाइप हो कैपिटल डी, कैपिटल डी। और अगर जीनोटाइप है स्मॉल डी, स्मॉल डी, तो आप क्या है? RH नेगेटिव, ठीक है। RH नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपका जीनोटिपिक कम्बिनेशन एक ही हो सकता है, एंड दैट इज स्मॉल डी विद स्मॉल डी, ठीक। द ओ नेगेटिव ब्लड टाइप इज यूनिवर्सल डोनर बिकॉज इट कैन डोनेट ब्लड टू ऑल ब्लड ग्रुप्स। द ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रिसिपियंट बिकॉज इट कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुप्स। अच्छा, अब क्या कहते हैं कि जो ओ, तो हमने पढ़ा था कि यूनिवर्सल डोनर है, लेकिन ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव इज दी यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि ओ नेगेटिव का मतलब ये है कि उसके अंदर कोई RH फैक्टर नहीं है। तो जब उसके अंदर RH फैक्टर नहीं है तो हम पॉजिटिव वाले को तो दे सकते हैं, पॉजिटिव जिनके ब्लड ग्रुप्स होते हैं, और जिनके नेगेटिव होंगे हम उनको भी दे सकेंगे। लेकिन अगर ओ पॉजिटिव की हम बात करें तो क्या हम बी नेगेटिव पर्सन को ओ पॉजिटिव ब्लड दे सकते हैं? नो। हम द रूल इज कि जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा, ठीक है, उसको वी कैन ओनली गिव नेगेटिव, ठीक है, ओनली गिव नेगेटिव। नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो आप उसको सिर्फ नेगेटिव दे सकते हैं, बट पॉजिटिव ब्लड, पॉजिटिव जिनका होगा उनको हम पॉजिटिव भी दे सकते हैं और नेगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का RH पॉजिटिव होता है वो RH पॉजिटिव तो ले ही सकते हैं, नेगेटिव भी दे सकते हैं, क्योंकि एक चीज़ उनके अंदर है तो उसके अगर वो चीज़ उसको मिल जाए तो ठीक है, अगर वो चीज़
वो ब्लड ग्रुप उसे मिले जिसमें वो चीज़ नहीं है, तो उसके साथ रिएक्शन करने वाली तो कोई चीज़ है ही नहीं। लेकिन अगर किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और आप उसको पॉजिटिव दे दें, तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं थी, वो फैक्टर नहीं था, मगर आप उसको बाहर से वो फैक्टर दे रहे हैं तो उसके अंदर रिएक्शन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, एंटी आर एच एंटीबॉडी एंड ट्रांसफ्यूजन प्रिंसिपल। द आर एच एंटीबॉडी इज नॉट प्रेजेंट नेचुरली इन द बॉडी। कहते हैं कि ये जो प्रेजेंट है आर एच एंटीजन तो प्रेजेंट होता है जनरली, ठीक है, जिनके अंदर आर एच एंटीजन प्रेजेंट होगा वो लोग क्या होंगे, आर एच पॉजिटिव, जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट होगा वो लोग आर एच नेगेटिव। तो दिस इज वॉट एंटीजन, और ये उसका ब्लड ग्रुप, ठीक है, एंटीजन आर एच प्रेजेंट पॉजिटिव, एंटीजन आर एच नहीं प्रेजेंट नेगेटिव, ठीक है। लेकिन एंटीबॉडी जो आर एच एंटीबॉडी है वो नेचुरली प्रेजेंट नहीं होती बॉडी में। दिस एंटीबॉडी इज प्रोड्यूस्ड इन रिएक्शन ऑफ आर एच एंटीजन, ठीक है। अगर आप आर एच एंटीजन एक्सटर्नली दें तो आर एच एंटीजन की एंटीबॉडी प्रेजेंट प्रोड्यूस होती है। जनरली कोई एंटीबॉडी आर एच के लिए प्रेजेंट नहीं होगी। जिस तरह हमने ए ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम जब हम पढ़े थे तो इसमें वी सॉ कि ए ब्लड ग्रुप जिनका होता है उनमें बी एंटीबॉडी होती है, जिनका बी ब्लड ग्रुप होता है उनमें ए एंटीबॉडी होती है, जिनका ए बी ब्लड ग्रुप होता है उनके अंदर कौन सी एंटीबॉडी होती है, कोई भी नहीं। जिनका ओ ब्लड ग्रुप होता है उनके अंदर ए और बी एंटीबॉडी दोनों होती है। लेकिन जिनका पॉजिटिव ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव होगा कोई एंटीबॉडी फिलहाल नहीं है। जब आप उसका एक्सपोजर कराते हैं आर एच एंटीजन के साथ तो एंटीबॉडी बनती है उसके रिएक्शन में। आर एच पॉजिटिव डोनर इज टोटली इनकम्पैटिबल फॉर आर एच नेगेटिव रिसिपिएंट, ठीक है। मैंने वो इस जब आपको मैंने ये चीज़ बता दी इसमें आपको खुद ही समझ आ जाना चाहिए। जो पॉजिटिव लोग हैं इस मेरे अंदर एक चीज़ प्रेजेंट है तो वो मैं नेगेटिव को अगर दूंगी तो वो नेगेटिव के साथ जाकर तो लड़ाई करेगी, ठीक है। तो मेरे अंदर एक चीज़ प्रेजेंट है, मैं पॉजिटिव हूँ, नेगेटिव को वो नहीं लग सकता, ठीक है। तो यानी ओ पॉजिटिव का ब्लड जो है वो ओ नेगेटिव को नहीं लग सकता, ठीक है। तो जो पॉजिटिव डोनर्स होते हैं वो नेगेटिव को नहीं, पॉजिटिव को कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं दे सकता, ठीक है। नेगेटिव जिनका ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एक चीज़ नहीं है तो आप उसको पॉजिटिव ब्लड ग्रुप यानी कि कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं दे सकते, ठीक। अच्छा, आर एच पॉजिटिव डोनर इज टोटली इनकम्पैटिबल फॉर आर एच नेगेटिव रिसिपिएंट। समटाइम्स आर एच नेगेटिव पर्सन रिसीव्स आर एच पॉजिटिव एंटीजन थ्रू रॉन्ग आर एच पॉजिटिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब क्या था, एक पर्सन था उसका ब्लड ग्रुप था आर एच नेगेटिव, तो आप देख लें कि आर एच नेगेटिव वाला पर्सन था उसको गलती से हमने क्या दे दिया, आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया। आर एच नेगेटिव था उसको गलती से आर एच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप दे दिया, और उसने क्या इसके बदले में उसने अब आपने उसको किससे उसको इंट्रोड्यूस करा दिया है। जनरली कोई एंटीबॉडी नहीं होती आपने, लेकिन नेगेटिव वाले को पॉजिटिव से जब इंट्रोड्यूस करा दिया तो उसके अंदर क्या बनेगी, एंटी आर एच एंटीबॉडी। एक होती है एंटीबॉडी किसी चीज़ के खिलाफ एंटीबॉडी, ठीक है, आर एच एंटीबॉडी आर एच के खिलाफ काम करने वाली एंटीबॉडी, आर एच एंटीबॉडी के खिलाफ काम करने वाली एंटीबॉडी, तो उसके अंदर क्या बन जाएगी, एंटी आर एच एंटीबॉडी बन जाएगी। अगेंस्ट आर एच रिएक्शन और एक अगेंस्ट आर एच एंटीजन और एक रिएक्शन हो जाएगा, किसके दरमियान, आर एच पॉजिटिव आर एच फैक्टर के दरमियान और एंटी आर एच एंटीबॉडी, आर एच एंटीबॉडी और एंटी आर एच एंटीबॉडी के दरमियान एक रिएक्शन हो जाएगा। अ डोनर हु हैज नेवर बीन एक्सपोज टू आर एच एंटीजन कैन ट्रांसफ्यूज टू आर एच पॉजिटिव रिसिपिएंट। लेकिन अगर कोई ऐसा आर एच नेगेटिव बंदा जिसने पहले कभी, अब देखो इसने ये ले लिया तो इस आर एच नेगेटिव ने जब आर एच पॉजिटिव ब्लड लिया तो इसके अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब ये आर एच नेगेटिव बंदा किसी आर एच पॉजिटिव को भी नहीं दे सकता क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये एक्सपोज हो गया इन बॉडी एंटीबॉडीज इस आर एच एंटीजन से और इसमें ये एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। अब ये बंदा किसी, इसके अंदर गलत ट्रांसफ्यूजन हो गया, अब ये किसी पॉजिटिव वाले को भी नहीं दे सकता। लेकिन वो आर एच नेगेटिव डोनर जिसको कभी गलत ट्रांसफ्यूजन ना हुई हो, जो कभी पॉजिटिव एंटीबॉडीज से उसका इंटरेक्शन ना हुआ हो, तो ये आर एच नेगेटिव डोनर पॉजिटिव को आराम से ब्लड दे सकता है, ठीक है। अब इसके बाद आती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटोलिस की, लेकिन उससे पहले हम अगर एक दफ़ा थोड़ा सा एक टेबल बना के देख लें कि कौन किसको ब्लड दे सकता है और कौन किसको नहीं दे सकता, ठीक है। तो हम हर ब्लड ग्रुप को अगर एक दफ़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ब्लड ग्रुप, यहाँ पे लिखते हैं रिसिपियंट्स, ठीक है, ये हो गए डोनर्स, ये रिसिपियंट्स, ये डोनर्स। अब रिसिपियंट्स कौन है, ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव,
ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव बी पॉजिटिव, फिर उसके बाद ए बी नेगेटिव ए बी पॉजिटिव, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या है, डोनर्स ओ पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव। ये ब्लड ग्रुप की जो मैचिंग्स हैं ये बहुत मज़े का टॉपिक है, अगर सिर्फ एक दफ़ा समझ आ जाए तो इट्स हाईली इंटरेस्टिंग टॉपिक। अच्छा फिर उसके बाद है बी नेगेटिव एंड देन वी हैव गॉट बी पॉजिटिव, फिर वी हैव गॉट ए बी नेगेटिव एंड ए बी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ज़रा, अगर हम क्या ओ नेगेटिव वाले को ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, मतलब उसका ब्लड ग्रुप तो सेम है, हमने देखा था सेम को सेम दे सकते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव वी कैन गिव, दोनों में आर एच एंटीबॉडीज आर एच एंटीजन नहीं है, येस वी कैन गिव, ओ नेगेटिव को ओ नेगेटिव दे सकते हैं। क्या हम ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को ओ पॉजिटिव दे सकते हैं? नो वी कैन नॉट गिव, क्योंकि ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ये रिसिपियंट है, ये लेने वाला है। चाहिए आपने ख्याल रखना रिसिपियंट कौन है और डोनर कौन है, ये वाली साइड डोनर है देने वाली और ये लेने वाली, ठीक है। तो ये दे रहा है, ओ नेगेटिव को ओ नेगेटिव दे सकते हैं, ठीक है। ये बंदा है और यहाँ से हमने देना है। अब ये ओ नेगेटिव है, क्या हम इसे ओ पॉजिटिव दे सकते हैं? ये नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव सिंपली नहीं दे सकते। तो सबसे पहले जब आप ट्रांसफ्यूजन की जो एग्जांपल्स देख रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले आप उसमें पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को देख लिया करें। नेगेटिव को आप कभी पॉजिटिव दे ही नहीं सकते, पॉजिटिव को आप नेगेटिव दे सकते हैं, ठीक। ये हो गया, पॉजिटिव को आप क्या दे सकते हैं? पॉजिटिव को पॉजिटिव भी दे सकते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव भी दे सकते हैं, लेकिन नेगेटिव को सिर्फ नेगेटिव दे सकते हैं, ठीक है। फिर पहले ये देखा करें, फिर अगर ये अगर इसकी बेसिस पे सॉल्व नहीं हो रहा, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि फिर आप देखा करें कि ए बी ओ के हिसाब से उसका क्या ब्लड ग्रुप है। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं, ओ नेगेटिव रिसिपियंट को ए नेगेटिव दे सकते हैं, हमें पता है हाँ ओ जो है वो यूनिवर्सल डोनर है, ओ को सिर्फ हम ओ दे सकते हैं, ठीक है। तो ओ नेगेटिव को क्या हम ए नेगेटिव दे सकते हैं? नो वी कैन नॉट गिव। फिर इस ओ नेगेटिव को क्या आप ए पॉजिटिव दे सकते हैं? तो ये तो सिर्फ पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बेस पे सॉल्व हो गया, ये नेगेटिव है तो इसको तो सिर्फ ही नेगेटिव लगेगा। तो अगर हम नेगेटिविटी के बेस पे करें, ठीक है, तो ये नेगेटिव है इसको तो पॉजिटिव लगेगा ही नहीं, तो हम सारे पॉजिटिव कार्ड देते हैं, ए पॉजिटिव भी कार्ड देते हैं, बी पॉजिटिव भी कार्ड देते हैं और ए भी पॉजिटिव भी कार्ड देते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको ये तो लगेंगे ही नहीं, ठीक है। अब हम बाकी इसके हिसाब से देखते हैं, ये ओ नेगेटिव है और तो इस ओ है तो हमने पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बेस पे तो सारे पॉजिटिव जो थे वो निकाल दिए। अब हम ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की बेस पे देखें, तो क्या ओ को हम बी दे सकते हैं? नहीं। ओ को हम बी दे सकते हैं? नहीं। ओ को हम ए भी दे सकते हैं? नहीं। तो इस ओ नेगेटिव को हम कौन सा ब्लड ग्रुप सिर्फ दे सकते हैं? ओ नेगेटिव। तो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को सिर्फ और सिर्फ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही दिया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही क्या है, रेयर, और बहुत ही अगर हो जाए तो फिर जिनका तो मुश्किल से मिलता है पाकिस्तान में ये ब्लड ग्रुप, तो ठीक। अच्छा अब उसके बाद जो है हम ओ पॉजिटिव रिसिपियंट को देखते हैं, ठीक है। अब ओ पॉजिटिव क्या है? रिसिपियंट है, बंदा जो है वो ओ पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव को हम सारे नेगेटिव दे सकते हैं? दे सकते हैं, ओ और पॉजिटिव भी दे सकते हैं। तो अब इसके केस में जो है हम किसको देखेंगे डायरेक्ट? इसके केस में साइंस को हम नहीं देखेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसको तो नेगेटिव भी दिया जा सकता है और इसको पॉजिटिव भी दिया जा सकता है। तो अब इसमें हम डायरेक्ट ए बी ओ के हिसाब से चेक करेंगे। अब ये ओ पॉजिटिव है तो ओ को हम ओ दे सकते हैं ना, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, येस वी कैन गिव। अब ओ पॉजिटिव सेम ब्लड ग्रुप तो हम वैसे ही दे सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें, ये ओ पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, ठीक है, तो ओ को हम ए दे सकते हैं? नहीं। ओ को हम ए दे सकते हैं? नहीं, चाहे जो भी साइन हो। ओ को हम बी दे सकते हैं? नहीं। ओ को हम बी दे सकते हैं? नहीं, चाहे जो भी साइन हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ओ को हम ए बी नेगेटिव या ए बी पॉजिटिव दे सकते हैं? नो एंड नो, ठीक है। अब इसके बाद अगला जो साइन है, अगला जो ब्लड ग्रुप है हमारे पास, दैट इज़ ए नेगेटिव, ठीक है। अब ए नेगेटिव को हम ओ नेगेटिव दे सकते हैं? नेगेटिव है ना, और ओ तो हम हर किसी को दे सकते हैं, और ये सब साइन देखो तो ये भी सेम है, तो हम ए नेगेटिव को ओ नेगेटिव दे सकते हैं। अब ये ए नेगेटिव है, क्या हम इसको ओ पॉजिटिव दे सकते हैं? साइंस की बेसिस पे नेगेटिव को कभी भी पॉजिटिव
वी कैन नेवर, ये लिख लें, वी कैन नेवर गिव पॉजिटिव ब्लड टू नेगेटिव रिसिपियंट, ठीक है, या पेशेंट, ठीक है। अच्छा, पीटी मतलब पेशेंट। अच्छा, तो इसको पॉजिटिव हम नहीं दे सकते। ए नेगेटिव को ए नेगेटिव दे सकते हैं, सेम ब्लड ग्रुप, यस ऑब्वियसली। ए नेगेटिव को ए पॉजिटिव दे सकते हैं, नो वी कैन नॉट गिव। फिर ए नेगेटिव को बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, नो वी कैन नॉट गिव, डिफरेंट है। बी पॉजिटिव दे सकते हैं, नो। ए बी नेगेटिव दे सकते हैं, नो। ए बी पॉजिटिव दे सकते हैं, नो, क्योंकि ए बी नेगेटिव और पॉजिटिव हमें पता है क्या है, यूनिवर्सल रिसिपियंट्स हैं, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा यूनिवर्सल रिसिपियंट कौन सा होगा, ए बी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारी बात हो गई ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव की। अब हम अगले ब्लड ग्रुप पे आते हैं, दैट इज ए पॉजिटिव। अब ए पॉजिटिव को आप ओ नेगेटिव दे सकते हो, पॉजिटिव को आप नेगेटिव दे सकते हो, यस। आप इसको ओ पॉजिटिव दे सकते हो, यस। आप इसको ए नेगेटिव दे सकते हो, यस। पॉजिटिव को आप नेगेटिव दे सकते हो, अब ब्लड ग्रुप तो इनका सेम है। ए पॉजिटिव को ए पॉजिटिव दे सकते हो, सेम ब्लड ग्रुप है, यस। ए पॉजिटिव को बी नेगेटिव, नो। बी पॉजिटिव, नो। ए बी नेगेटिव, नो। ए बी पॉजिटिव, नो, ठीक है। तो ये हो गई बात आपके ए पॉजिटिव की, ठीक। अब इसके बाद हम अगले पे चलते हैं, दैट इज बी नेगेटिव। बी नेगेटिव को ओ नेगेटिव दे सकते हो, यस। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर है, ठीक है, सबको दे सकते हो। फिर उसके बाद बी नेगेटिव को आप ओ पॉजिटिव दे सकते हो, नेगेटिव को पॉजिटिव कभी भी नहीं दे सकते, तो नहीं। बी नेगेटिव को ए नेगेटिव दे सकते हो, ए बी ओ के हिसाब से डिफरेंट है, नो। बी नेगेटिव को ए पॉजिटिव दे सकते हो, नो। बी नेगेटिव को बी नेगेटिव दे सकते हो, यस। बी नेगेटिव को बी पॉजिटिव दे सकते हो, नो। ए बी नेगेटिव दे सकते हो, नो। ए बी पॉजिटिव दे सकते हो, नो, ठीक है। तो बी नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है, इसको हम कौन सा दे सकते हैं, सिर्फ ओ नेगेटिव और बी नेगेटिव, ठीक है। फिर बी पॉजिटिव को अगर देखा जाए, बी पॉजिटिव को ओ नेगेटिव दे सकते हैं, यस, यूनिवर्सल डोनर है। बी पॉजिटिव को ओ पॉजिटिव दे सकते हैं, यस। बी पॉजिटिव को ए नेगेटिव दे सकते हैं, नो। बी पॉजिटिव को ए पॉजिटिव दे सकते हैं, नो। बी पॉजिटिव को बी नेगेटिव दे सकते हैं, यस। बी पॉजिटिव दे सकते हैं, यस। ए बी नेगेटिव दे सकते हैं, नो। ए बी पॉजिटिव दे सकते हैं, नो, ठीक है। अब आखिरी हमारे पास सेकेंड लास्ट जो है वो क्या है, ए बी नेगेटिव। ए बी नेगेटिव को हम ओ नेगेटिव दे सकते हैं, यस। ए बी नेगेटिव को ओ पॉजिटिव दे सकते हैं, नो। पॉजिटिव को नेगेटिव को आप कभी भी पॉजिटिव नहीं देंगे। ए बी नेगेटिव को आप ए नेगेटिव दे सकते हैं, ए बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप को आप ओ ए नेगेटिव दे सकते हैं। ए बी नेगेटिव को आप ए पॉजिटिव दे सकते हैं, नो। ए बी नेगेटिव को आप बी नेगेटिव दे सकते हैं, यस। बी पॉजिटिव नहीं दे सकते, ए बी नेगेटिव सेम ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव नहीं दे सकते, ठीक है। अच्छा, अब आता है सबसे मज़े का, ए बी पॉजिटिव, इसको आप ओ नेगेटिव दे सकते हो, यस। ओ नेगेटिव आप सबको देते हैं। ए बी पॉजिटिव को आप ओ पॉजिटिव दे सकते हो, यस, क्योंकि पॉजिटिव है और ओ तो आप सबको दे सकते हैं। ए बी पॉजिटिव को ए नेगेटिव, यस। ए पॉजिटिव, यस। बी नेगेटिव, यस। बी पॉजिटिव, यस। ए बी नेगेटिव, यस। ए बी पॉजिटिव, यस। आप इसको सारे के सारे ब्लड ग्रुप दे सकते हैं। तो इस बेसिस पे हमने क्या डिस्कस किया, क्या हमने देखा कि जो ए बी पॉजिटिव है रिसिपियंट, इसको सारे ब्लड ग्रुप्स दिए जा सकते हैं। तो दिस ए बी पॉजिटिव इज व्हाट, इट इज यूनिवर्सल रिसिपियंट, और वो ब्लड ग्रुप जो सबको दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर कौन सा हुआ, ओ पॉजिटिव इज द यूनिवर्सल डोनर। तो ये बात साबित हो गई, समझ आ गई। तो ये हो गई हमारी RH ब्लड ग्रुप और ABO ब्लड ग्रुप की और उनकी ट्रांसफ्यूजन्स की डिस्कशन। नाउ वी विल डिस्कस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, अच्छा, फीटलिस। एरिथ्रो मतलब रेड ब्लड सेल्स, ब्लास्टोसिस फट जाना, ब्लास्ट होना, रेड ब्लड सेल्स का फटना फीटस में, ठीक है। रेड ब्लड फीटस के अंदर रेड ब्लड सेल्स के फटने की बीमारी को हम कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। अब ये किस तरह से होती है, इसे हम दूसरा नाम इसको देते हैं हीमोलिटिक डिजीज। हीम मतलब ब्लड, लिटिक या लिसिस मतलब टूटना। तो ब्लड के टूटने वाली डिजीज किसकी, फीटस की, यानी न्यू बॉर्न बेबीज की या अनबॉर्न बेबीज की। और बेबीज के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो बहुत तेज़ी से टूट रहे होते हैं, क्यों, क्योंकि अगर एंटी आर एच एंटीबॉडीज जो कि मदर प्रोड्यूस करती है वो मदर से बेबी के अंदर चली जाए तो थ्रू द प्लेसेंटा, तो बेबी के अंदर ब्रेक डाउन शुरू हो जाता है। अब मदर एंटी आर एच एंटीबॉडी कब प्रोड्यूस करेगी, अगर मदर होगी आर एच नेगेटिव, ठीक है। तो ये किस तरह से होगा, अगर
क्या होता है कि मदर आर एच नेगेटिव हो, उसकी शादी हो जाए एक ऐसे आदमी से कि उसका शोहर आर एच पॉजिटिव हो, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो, कोई भी पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, तो मदर होती है आर एच नेगेटिव, ये मॉम है मदर, और डैड जो फादर होते हैं वो क्या है आर एच पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनका जो बेबी है, अगर इनका बेबी आर एच पॉजिटिव, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन अगर बच्चा आर एच पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि पहली दफ़ा में तो इतना ख़ास मसला नहीं आता, लेकिन दूसरी प्रेगनेंसी में भी अगर बच्चा आर एच पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, बच्चे की आर एच पॉजिटिव जो एंटीबॉडीज़ हैं वो मदर के अंदर जाएगी, ठीक है। जब आर एच पॉजिटिव एंटीजन जब मदर में जाएगा तो मदर के अंदर बन जाएंगी आर एच एंटी आर एच एंटीबॉडी, ठीक है, आर एच के खिलाफ काम करने वाली एंटीबॉडी। जब एंटी आर एच एंटीबॉडी वापस बच्चे में आएंगी तो ये एंटी आर एच एंटीबॉडी आके बच्चे आर एच के खिलाफ काम कर रही है, तो क्या करेंगी, आके बच्चे में तोड़ फोड़ करेंगी, किस चीज़ की, आरबीसी की तोड़ फोड़ कर देंगी, आरबीसी टूट जाएगा। इस आरबीसी के टूटने को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। तो क्या हुआ कि माँ जो थी आरएच नेगेटिव थी, बाप आरएच पॉजिटिव था, दोनों ने शादी की, उनका जो बच्चा था फीटस आरएच पॉजिटिव। अब मदर के बच्चे के अंदर से आरएच पॉजिटिव जो एंटीजन है, आरएच पॉजिटिव ब्लड थोड़ा थोड़ा जब माँ में जाएगा तो माँ में एंटी आरएच एंटीबॉडीज़ बनेंगी। इसके बदले में माँ क्या करेगी, माँ के अंदर जो एंटी आरएच एंटीबॉडीज है वो वापस जब बच्चे में आएंगी तो बच्चे के अपने खून के खिलाफ काम करेंगी, और उसका जब रेड ब्लड सेल्स टूटेगा तो उसे क्या हो जाएगा, एरिथ्रोब्लास्टस फीटलिस। और उसमें रेड ब्लड सेल्स के टूटने से क्या होता है, जॉइंडस होता है, जॉइंडस होगा, बच्चे में खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया हो जाएगा। खून की कमी को क्या कहते हैं, एनीमिया। बच्चा एनीमिक होगा और जॉइंडस हुआ होगा उसे। अब इस थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लें, उसमें सारी यही बात है, बिलीरोबिन कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा, बिलीरोबिन जब ज़्यादा होता है तो जॉइंडस होते हैं, आरबीसी ज़्यादा टूटेगा, जब आरबीसी टूटता है तो आरबीसी की जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है डेथ इज बिलीरोबिन, जब बिलीरोबिन ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है, जॉइंडस, ठीक है, जिसे हम यरकान कहते हैं। तो अक्सर बच्चे जब पैदा होते हैं उन्हें यरकान होता है, जिसकी मेजर कॉज ये होती है। लेकिन अक्सर अगर औरतें जो है वो डॉक्टर के पास जब प्रेगनेंट होती हैं वो नहीं जाती हैं, लेकिन अगर डॉक्टर के पास औरत जाए और बच्चा जो डॉक्टर है गायनोकोलॉजिस्ट है वो देखे कि औरत का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो वो उसे ज़रूर पूछेगी कि आपके शौहर का ब्लड ग्रुप क्या है। अगर शौहर का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव आता है तो क्या होगा कि एहतियाती तौर पे एंटी आर एच एंटी सेरा इंजेक्शन मिलते हैं, जिसमें जो है ये एंटी आर एच एंटीबॉडीज़ पहले से प्रेजेंट होती हैं, तो ये मदर के अंदर लगा देते हैं ताकि मदर खुद से प्रोड्यूस ना करे और बच्चे को नुकसान ना दे। तो इस का जो है इस तरह से इलाज हो जाता है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दी जाती है अर्ली प्रेगनेंसी में, और दो दफ़ा दी जाती है, और जब जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है उसके 72 आवर्स के बाद, तो उससे क्या होता है कि मदर खुद से ये प्रोड्यूस नहीं करती और बच्चे को नुकसान नहीं होता, और इस तरफ से डिलीवरी सेफ़ होती है, मदर और बच्चा सेफ़ रहते हैं। तो ये इसकी डिस्कशन है, आप इसकी थ्योरी किताब से एक दफ़ा पढ़ लें तो समझ आ जाएगा इंशाल्लाह आपको। आई होप आपको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस और आर एच ब्लड ग्रुप सिस्टम ब्लड ट्रांसफ्यूजन इस टेबल के ज़रिए सारा क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम एपिस्टेसिस और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। ब्लड का सारा जो डिस्कशन है वो यहाँ पे एंड होता है, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। इसको प्लीज़ रीड कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए, और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।